उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में अचानक बॉयलर का पाइप फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। दरअसल बीती रात रायबरेली के NTPC प्लांट का बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बॉयलर के पास 80 से 90 लोग मौजूद थे। बॉयलर फटते ही कई लोग वहीं राख के मलबे में दब गए। इनमें से कुछ के शरीर शत विशत हो गए। वहीं हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को लखनऊ, इलाहाबाद समेत कई अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद NTPC की तरफ से आधिकारिक बयान आया, जिसमें कहा गया है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 500 मेगावाट के अंडर ट्रायल यूनिट में ये हादसा हुआ है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। झुलसे लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मौके पर पहुंचे मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर NTPC प्लांट के बाहर तमाम मजदूर और मजदूरों के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि अभी भी हादसे की जगह मलबे में दर्जनों मजदूर दबे हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मजदूरों का कहना है कि उनके कई साथी अभी भी लापता हैं, जिनकी सूचना NTPC प्रशासन उन्हें नहीं दे रहा है। वहीं इस घटना पर PM मोदी और CM योगी ने दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त की है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।